बाबा बुआ रे आपे बाबा ने दिना कौन मलाई पूछा तो बाबा जी ने उस समय ये कहा था कि रुखी कनकनी खाया मैं तेरा दिना मास रलाई। वो चीज जो थी वो बाबा जी ने इसलिए कहा था कि वो जो ऋषि सिंह मेहता था वो लालची हो गया था, तो उसने जब गलत किया तो बाबा जी ने ये श्लोक बोले, उन्होंने कहा कि मैं जो है अपना हक नहीं दूंगा, ठीक है, ये रूखी नहीं खाने दूंगा तुमको, मैं इसमें अपना जो है अपना खून अपना मांस मिला के दूंगा, फिर उसको खाना तुम। लेकिन उसको कि ब्रह्म हत्या लगी, फिर उसको जो है उससे मतलब उसका जब ब्रह्म हत्या लगी उसको उसका आज वो मतलब उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो वंश था वो ऋषि सिंह मेहता का पूरा खत्म हो गया था वंश। और फिर बाबा जी का शरीर उसने यहाँ पे आके कहीं सिंबल के पेड़ में छुपा दिया था, और फिर यहाँ सिंबल का जो पेड़ था यही पास ये जो आज ये स्थान देख रहे हैं आप, यहीं पे एक सिंबल का पेड़ हुआ करता था, तब यहाँ पे फिर बाबा जी का संस्कार भी यहीं पे हुआ, और फिर यहाँ पे ही मंदिर का निर्माण हुआ बाबा जी के। और हमारा परिवार जो है पिछले 600 साल से हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारा परिवार जो है यहाँ पे सेवा करता है। बाहर तालाब भी है बाबा जी का, उसके इतिहास के बारे में देखिए, यहाँ पे इनका एक बाबा जी जब वहाँ से आए तो यहाँ पे एक उनका मित्र था जिसको कोढ़ हो गया था, तो जब कोड़ हो गया उसको, उसका ईसो एक नाम था उसको, तो उसको जब कोड़ हुआ तो बाबा जी ने वहाँ पे जो तालाब था तालाब के अंदर उन्होंने वहाँ पे इतना कटार मारी तो वहाँ से जल निकला, और वो जल जब निकला तो उन्होंने कहा इस जल से स्नान करो तुम तो इससे तुम्हारा जो है वो तुम ठीक कोड़ ठीक हो जाएगा। तो वो बाबा जी ने जो थे वो माता के भक्त थे तो उन्होंने ऐसे ही कटार मार दी कि भाई ये मतलब चलो माता का नाम लेकर उन्होंने किया, लेकिन वो जैसे वो उससे स्नान किया तो उसका वो कोड़ ठीक हो गया। तो आज भी जिसको भी कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है कुछ भी होती है, कोई जिनका बच्चा नहीं होता है कुछ भी, तो बाबा तालाब आके स्नान करते हैं, उसके बाद स्नान करने के बाद वो माता ये जो हमारा जिड़ी का मंदिर है यहाँ पे आके वो माथा टेकते हैं। कुछ लोग ऐसे सफाई व्यवस्था भी नहीं करते हैं, एकदम डाल देते हैं आगे पीछे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि स्वच्छता बनाए रखें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो है सभी डिपार्टमेंट जितने भी हैं सारे डिपार्टमेंट पूरा योगदान दे रहे हैं, वो यहाँ पे चाहे क्या वो मतलब पुलिस की तरफ से जो पुलिस प्रशासन है या टूरिज्म डिपार्टमेंट है और भी जो डिपार्टमेंट्स जो इसके साथ एसडीएम साहब है हमारे यहाँ पे, तो सारे जितने भी सब पूरा योगदान दे रहे हैं। लेकिन लोगों से ये है कि हम एक गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा गंद ना डालें और ये सहयोग करें कि ये एक साफ सुथरा मेला हो, और जो ये इस बार 2 साल बाद मेला हुआ है ये इस मेले को बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें और यहाँ पे आके माता इस बार श्रद्धालुओं में भी काफी बढ़ोतरी होगी, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए जो श्रद्धालुओं में बढ़ोतरी तो इस बार होगी क्योंकि 2 साल से वो नहीं आए हैं, तो उसके लिए प्रशासन जो है उन्होंने